अभी तक की बड़ी खबरों पर। नगरोटा सूर्य सड़क मार्ग का हाल खस्ता, पैदल चलना बना रिस्की। एक तरफ गड्ढे ही गड्ढे तो दूसरी तरफ मलबे से भरी सड़क, राहगीर परेशान। पंचायत डाडा सिबा वार्ड नंबर 3 में गाड़ी में पहले हुआ धमाका, फिर लगी आग, मामला दर्ज। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कुल्लू मनाली की वर्ष 2024-25 की पहली छमाही बैठक का हुआ आयोजन। राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए किया गहन विचार विमर्श, राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए मिले बेहतरीन सुझाव। बिलासपुर की समाज सेवी संस्था नगर सुधार समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार को राज्यपाल द्वारा सामाजिक कार्य व नशा निवारण अभियान को सफल बनाने के लिए दिए अहम योगदान के लिए मिला सम्मान। सुंदरनगर शहर में प्रवासी माता पिता ने पुराने बस स्टैंड पर छोड़ी अपनी दोनों बच्चियां, समाज सेवियों ने पहुंचाया घर वापस। सड़क किनारे से नगर परिषद कुल्लू ने रेहड़ी फड़ियों को हटाने का छेड़ा अभियान, अस्पताल के बाहर सड़क किनारे लगी रेहड़ियों और फड़ियों को दिया हटा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से आज प्रदेश भर के 148 केंद्रों में आर्ट्स व मेडिकल विषय की अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन, 20,000 के करीब अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र किए थे जारी। उपमंडल हॉस्पिटल कांगड़ा में सीएमओ डॉक्टर अल्पना व मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोनिका राज ने कांगड़ा के लोगों को बरसात से होने वाली बीमारियों पर किया जागरूक, उपचार लेने की दी सलाह। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के शुरुआती दौर में ही बारिश से मॉनसून ने दिखाए रंग, कांगड़ा चंबा में 34,55,39,000 का हुआ नुकसान। ज्वाली की ग्राम पंचायत सिद्धपुर घाट में बंदूक फायर करने का मामला सामने आया है, फायरिंग करने वाले पर मामला दर्ज, पुलिस ने गिरफ्तार कर 4 दिन की रिमांड पर भेजा आरोपी। धर्मशाला में जिला स्तरीय ओपन बैडमिंटन अंडर 15 और अंडर 17 प्रतियोगिता का आगाज, 13 और 14 जुलाई को होंगे कड़े मुकाबले, इस प्रतियोगिता में 200 के करीब करवाए जाएंगे मैच। खबरें फटाफट में बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार, खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। नगरोटा सूर्य सड़क मार्ग का हाल खस्ता, पैदल चलना बना रिस्की। एक तरफ गड्ढे ही गड्ढे तो दूसरी तरफ मलबे से भरी सड़क, राहगीर परेशान। पंचायत डाडा सिबा वार्ड नंबर 3 में गाड़ी में पहले हुआ धमाका, फिर लगी आग, मामला दर्ज। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कुल्लू मनाली की वर्ष 2024-25 की पहली छमाही बैठक का हुआ आयोजन। राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए किया गहन विचार विमर्श, राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए मिले बेहतरीन सुझाव। बिलासपुर की समाज सेवी संस्था नगर सुधार समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार को राज्यपाल द्वारा सामाजिक कार्य व नशा निवारण अभियान को सफल बनाने के लिए दिए अहम योगदान के लिए मिला सम्मान। सुंदरनगर शहर में प्रवासी माता पिता ने पुराने बस स्टैंड पर छोड़ी अपनी दोनों बच्चियां, समाज सेवियों ने पहुंचाया घर वापस। सड़क किनारे से नगर परिषद कुल्लू ने रेहड़ी फड़ियों को हटाने का छेड़ा अभियान, अस्पताल के बाहर सड़क किनारे लगी रेहड़ियों और फड़ियों को दिया हटा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से आज प्रदेश भर के 148 केंद्रों में आर्ट्स व मेडिकल विषय की अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन, 20,000 के करीब अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र किए थे जारी। उपमंडल हॉस्पिटल कांगड़ा में सीएमओ डॉक्टर अल्पना व मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोनिका राज ने कांगड़ा के लोगों को बरसात से होने वाली बीमारियों पर किया जागरूक, उपचार लेने की दी सलाह। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के शुरुआती दौर में ही बारिश से मॉनसून ने दिखाए रंग, कांगड़ा चंबा में 34,55,39,000 का हुआ नुकसान।
ज्वाली की ग्राम पंचायत सिद्धपुर घाट में बंदूक फायर करने का मामला सामने आया है। फायरिंग करने वाले पर मामला दर्ज, पुलिस ने गिरफ्तार कर 4 दिन की रिमांड पर भेजा आरोपी। धर्मशाला में जिला स्तरीय ओपन बैडमिंटन अंडर 15 और अंडर 17 प्रतियोगिता का आगाज, 13 और 14 जुलाई को होंगे कड़े मुकाबले। इस प्रतियोगिता में 200 के करीब करवाए जाएंगे मैच। खबरें फटाफट में, बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार, खबरें फटाफट देख रहे हैं आप, नजर डालेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। नगरोटा सूर्य सड़क मार्ग का हाल खस्ता, पैदल चलना बना रिस्की। एक तरफ गड्ढे ही गड्ढे तो दूसरी तरफ मलबे से भरी सड़क, राहगीर परेशान। पंचायत डाडा सिबा वार्ड नंबर 3 में गाड़ी में पहले हुआ धमाका, फिर लगी आग, मामला दर्ज। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कुल्लू मनाली की वर्ष 2024-25 की पहली छमाही बैठक का हुआ आयोजन। राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए किया गहन विचार विमर्श, राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए मिले बेहतरीन सुझाव। बिलासपुर की समाज सेवी संस्था नगर सुधार समिति के अध्यक्ष दिनेश कुमार को राज्यपाल द्वारा सामाजिक कार्य व नशा निवारण अभियान को सफल बनाने के लिए दिए अहम योगदान के लिए मिला सम्मान। सुंदरनगर शहर में प्रवासी माता पिता ने पुराने बस स्टैंड पर छोड़ी अपनी दोनों बच्चियां, समाज सेवियों ने पहुंचाया घर वापस। सड़क किनारे से नगर परिषद कुल्लू ने रेहड़ी फड़ियों को हटाने का छेड़ा अभियान, अस्पताल के बाहर सड़क किनारे लगी रेहड़ियों और फड़ियों को दिया हटा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से आज प्रदेश भर के 148 केंद्रों में आर्ट्स व मेडिकल विषय की अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन, 20,000 के करीब अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र किए थे जारी। उपमंडल हॉस्पिटल कांगड़ा में सीएमओ डॉक्टर अल्पना व मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोनिका राज ने कांगड़ा के लोगों को बरसात से होने वाली बीमारियों पर किया जागरूक, उपचार लेने की दी सलाह। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात के शुरुआती दौर में ही बारिश से मॉनसून ने दिखाए रंग, कांगड़ा चंबा में 34,55,39,000 का हुआ नुकसान। ज्वाली की ग्राम पंचायत सिद्धपुर घाट में बंदूक फायर करने का मामला सामने आया है। फायरिंग करने वाले पर मामला दर्ज, पुलिस ने गिरफ्तार कर 4 दिन की रिमांड पर भेजा आरोपी। धर्मशाला में जिला स्तरीय ओपन बैडमिंटन अंडर 15 और अंडर 17 प्रतियोगिता का आगाज, 13 और 14 जुलाई को होंगे कड़े मुकाबले। इस प्रतियोगिता में 200 के करीब करवाए जाएंगे मैच। खबरें फटाफट में, बस इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।